वक्त क्या हुआ है अभी? मैं कहूंगा कि अभी रात के 9:02 हुए, मगर आप कहां हैं, कब हैं, उसके हिसाब से समय बदल भी सकता है। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि समय वो नंबर है जिनसे हम दिन का हिसाब लगाते हैं। हमारी जिंदगी घड़ी के हिसाब से चलती है। जागने का वक्त, काम पर जाने का समय, सोने का टाइम सब तय है, मगर यह हमेशा से ऐसा नहीं था। जब मैं छोटा था तब गर्मियों के मौसम का समय निश्चित नहीं था। मुझे किसी खास जगह पर नहीं जाना पड़ता था, ना ही किसी अपॉइंटमेंट का झंझट था। मेरा दिन सूरज के हिसाब से चलता था, इसलिए उस वक्त टाइम मेरे लिए खास मायने नहीं रखता था। अब मैं वक्त से लड़ रहा हूं, मगर यह दौड़ किसके खिलाफ है? क्या इस ब्रह्मांड में वाकई समय का वजूद है, या फिर यह एक ऐसी चीज है जो हमने अपने सिविलाइजेशंस को चलाने के लिए बनाई है? इसका जवाब पाने के लिए हमें पहले एक बड़ा मामूली से सवाल पूछना होगा, समय क्या है? आप भी सोचिए, उसे समझाने की कोशिश कीजिए, काम आसान नहीं है। समय किसी भी चीज को अचानक होने से रोकता है। इस लिहाज से समय दुनिया का वो हिस्सा है जो घटनाओं को एक खास तरीके से अंजाम देता है, जिससे वो शुरू से अंत तक एक सीक्वेंस में होती है। हम न्यूरोसाइंस के मुताबिक यही जानते हैं कि समय वो नहीं है जो हम समझते हैं। समय ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप हो रही है, बल्कि इसे हम अपने दिमाग में बनाते हैं। और मेरा दिमाग आपके दिमाग से अलग है, हम एक ही घटना को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। समय तो होता ही नहीं है, और जो होता है वो असल में दुनिया में हर चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसे मैं नैरोज कहता हूँ, और वो है असली चीज। समय के बारे में सबसे अच्छी चीज लगती है उसे रिकॉर्ड करना। रॉजर स्मिथ के लिए तो वक्त ही पैसा है, उनकी कस्टम मेड घड़ियां लाखों डॉलर में बिकती हैं। उनके काम का सबसे मुश्किल हिस्सा है इन छोटे छोटे गियर्स और व्हील्स को बिल्कुल सही इंटरवल्स पर लगाना। एक घड़ी को बनाना बहुत ही लंबा और पेचीदा काम है, खासकर ये व्हील जिसे अच्छी तरह से बैलेंस करना पड़ता है, और अगर ये ठीक से बैलेंस नहीं हुआ तो आपकी घड़ी अलग अलग रेट्स, टाइम और पोजीशंस बताएगी। रॉजर का इरादा है अपनी घड़ियों को ग्रीनिच मीन टाइम के बराबर रखना, क्योंकि दुनिया की हर घड़ी उसी की बेसलाइन पर चलती है। उसका नाम पड़ा इस जगह के नाम पर, ग्रीनिच इंग्लैंड। हम जिस समय को जानते हैं उसका जन्म यही हुआ था। 1884 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ने यह फैसला किया कि ग्रीनिच ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली मरीडियन लाइन को दुनिया का मास्टर टाइम यानी इनिशियल मरीडियन माना जाएगा। ग्रीनिच मीन टाइम समय का बेहतरीन अप्रोक्सीमेशन है, और सर आइजक न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड के पीछे ये लगातार धड़कता रहता है। न्यूटन मानते थे कि ब्रह्मांड एक विशाल घड़ी है जिसे ईश्वर चला रहे हैं, मगर न्यूटन का यह अंदाजा गलत था।